नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे टोटके लेकर आते हैं जिन्हें आप अपनाकर अपने जीवन की परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं। इन टोटकों को अगर आप अपनाते हैं तो आपको अपने जीवन में कभी भी किसी परेशानी को नहीं झेलना पड़ेगा। आपके जीवन की हर परेशानी का हल हमारे बताए गए टोटकों में होता है। अगर सही तरीके से आप इन टोटकों का प्रयोग करते हैं तो आपको कभी भी कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों, आजकल हम अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी परेशानी से तो जूझ ही रहे होते हैं। ऐसे में हम अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, कोई ऐसा हल चाहते हैं कि जिससे हम अपनी परेशानियों को समाप्त कर सकें, अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। क्योंकि इन परेशानियों के चलते हम अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाते, अपने अपनों को टाइम नहीं दे पाते और अपने लिए कई नई परेशानियों को भी खड़ा कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी नींबू से वशीकरण करने के लिए आपको नींबू और कुछ आसान सामग्री की आवश्यकता होगी। आप इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले उन लोगों को याद दिलाना चाहिए जो इसे केवल नामुमकिन और भ्रामक मानते हैं। इस विधि का उपयोग करने से पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये एक प्रभावशाली शक्ति है और इसका प्रयोग केवल अहिंसक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। वशीकरण के लिए सामग्री: एक नींबू, लाल कपड़े का एक टुकड़ा, एक छोटी शीशी या जार, सफ़ेद रंग का चांदी या पीतल का एक टुकड़ा। विधि जो आपको करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको नींबू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है, फिर नींबू के टुकड़ों को लाल कपड़े के टुकड़ों में बांध देना है। अब ये लाल कपड़े का टुकड़ा शीशी में डाल दें, शीशी में थोड़ा सा पानी डालें और फिर चांदी या पीतल का टुकड़ा डालें। शीशी को धकेल दें और इसे सुंदर से सजा कर अपने प्रिय व्यक्ति की ओर मोड़ दें। अब आपको नींबू के टुकड़ों को अपने हाथों में लेना है, अपनी आंखें बंद करें और अपने प्रिय व्यक्ति को विस्तार से विचार करें। वो आपके सामने है और आप उन्हें अपने वश में कर रहे हैं। अब अपने हाथों में नींबू के टुकड़ों को लेकर आरती करते हुए अपने प्रिय व्यक्ति की ओर बढ़ाएं। ये आरती आपके मन से निकलनी चाहिए और आपके हाथों को नींबू के टुकड़ों पर घुमाते हुए करनी चाहिए। आरती के दौरान आपको अपनी मनोकामनाओं का विचार करते रहना चाहिए। आरती के बाद नींबू के टुकड़ों को शीशी में डालें। अब शीशी को अपने घर में सुरक्षित रखें और उस प्रिय व्यक्ति के बारे में सोचते रहें जिससे आप वश में करना चाहते हैं। ये वशीकरण प्रक्रिया किसी भी दिन की शुरुआत में की जा सकती है। आपको एक शुभ मंत्र का जाप भी करना चाहिए जो नींबू से वशीकरण को सफल बनाता है। वो शुभ मंत्र है: ओम नमो आदेश गुरु को, महाराज मोहिनी देवी को, अपने वश में करें, देवी फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इस मंत्र को 108 बार जाप करें। जब आप नींबू से वशीकरण प्रक्रिया कर रहे हों तब ये मंत्र अधिक प्रभावी होगा। ध्यान रखें कि वशीकरण किसी के हित में होना चाहिए, इसे केवल निष्कर्ष लेने के लिए किया जाना चाहिए। वशीकरण का उपयोग किसी के बुरे इरादों के लिए नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका उपयोग दूसरों के नुकसान में होगा तो इसे ना करें। इसलिए यदि आप नींबू से वशीकरण करना चाहते हैं तो उपरोक्त विधि का पालन करें और ये याद रखें कि वशीकरण को गलत उपयोग में ना लें। और भी कोई समस्या है तो आप अपनी हर समस्या का समाधान गुरुजी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान उनके पास ना हो। जय माता दी।